तुझे बचाने के लिए भी कौन है बच्चा? हेलो ब्रदर, ना ये तेरा मैटर है ना मेरा मैटर है, ये फैमिली मैटर है। किसका? तेरे बड़े भाई के बड़े भाई का, गॉडफादर। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ में। तो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं चिरंजीवी और सलमान खान की गॉडफादर फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और पब्लिक रिव्यू के बारे में। तो गाइस, वीडियो बने रहे अंत तक, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गॉडफादर एक भारतीय तेलुगु भाषा की पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है मोहन राजा ने, वहीं प्रोड्यूस किया रामचरण ने। यह फिल्म 2019 में आई लूसीफर का रीमेक है। यह फिल्म रिलीज हुई है 5 अक्टूबर 2022 को। इस मूवी की स्टार कास्ट हैं चिरंजीवी, नयनतारा, सलमान खान। अब बात कर लेते हैं इसके पब्लिक रिव्यू के बारे में। साउथ मेगा स्टार चिरंजीवी की गॉडफादर ने सिनेमाघरों में धमाल मचा दिया है। बता दें कि फैंस लंबे समय से अभिनेता का बड़ा पर्दे पर देखने का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार 5 अक्टूबर को यानी दशहरा के मौके पर लोगों का इंतजार खत्म हुआ। लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने सिनेमाघर पहुंच गए। सोशल मीडिया के जरिए सामने आए रिएक्शन से साफ पता चल रहा है कि यूजर को मेगास्टार चिरंजीवी की फिल्म और सुपरस्टार सलमान खान का कैमियो काफ़ी पसंद आ रहा है। बता दें कि तेलुगु के साथ साथ हिंदी के दर्शकों के लिए फिल्म में आकर्षण का केंद्र सलमान खान और चिरंजीवी की जोड़ी रही। फिल्म रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर बॉस इज बैक ट्रेंड होने लगा। एक यूजर ने लिखा है, बॉस इज बैक विद गॉडफादर। चिरंजीवी के फैंस के लिए ये किसी दावत से कम नहीं है। जय महाराजा ने ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई है। फिल्म में चिरंजीवी का अलग ही स्वैग देखने को मिला है। वहीं अन्य यूजर ने लिखा है, फिल्म में भाई के कैमियो को पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं। यही वजह है कि हम उन्हें बाप और मास कहते हैं। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं इनकी आज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। अगर बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो ये आज 15 करोड़ के लगभग कमाई कर सकती है। तो गाइस, इस मूवी का बजट 100 करोड़ है। आपको क्या लगता है, इस मूवी हिट हो पाएगी? तो गाइस, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।